चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, गलती से दबा दिया। जवान जी, राजेश इधर आओ। इंसाफ हुआ है और इंसाफ आज होगा। पुलिस साहब, हाँ इस राम दादा देख जंत रुपए के खाते तुम्हारी माँ कमा रहा है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। दवान जी इधर आइए, इस राजेश को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, हम तुम्हें हुक्म देते हैं और इजाजत भी देते हैं कि इन दोनों हराम दादे को ऐसे खड़े होकर मरवाना, ऐसे खड़े होकर मरवाना कि आज के बाद ही हराम दादे गरीबों के साथ अत्याचार करना भूल जाए। ये खड़ा रहेगा और ये राजेश तुझे मारेगा साले। आज तरीका आ जाएगा भी। मैं बोला था दीवाने है तू खड़ा रहना और इस सलाम जब एक राजेश मारेगा और खड़े पड़े की बात। दवाल जी हमको कहो इस हुक्म का पालन करना, ठीक है सर? ठीक है, ड्यूटी फुल ड्यूटी। जय हिंद, और जो होगा मैं देखूंगा। जय हिंद सर। राजेश हम तुझे इजाजत दिया, जो भी कहा उस बात को करना। राजेश ये तुम्हें बहुत सताए हैं और मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं यहाँ से हट जाता हूँ और आप जो मन में आए वो इनके साथ कर सकता है क्योंकि मेरे सामने खून करने के लिए मना है। हराम जादे मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर मैं बच गया तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तूने मेरी माँ को मारा है, मेरी बहन की मार बहन, मार तुझे मेरी कसम, ये वही हराम हराम जदे। ठाकुर प्रताप सिंह तूने बहुत सताया हमें, तेरे बाप का घड़ा भर गया कुत्ते, तूने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का खून किया कुत्ते, मेरी जिंदगी बर्बाद किया, मेरे जैसे खेलना चाहता था हराम दादे, आज आज तेरे बाप का घड़ा भर गया कुत्तों, अब तू ही दुनिया हराम दादो। अरे सताया तू मुझे, अब मैं तुझे क्यों रे हराम जादो कमीनो, मुझसे मोहब्बत करोगे, मुझे अपनी रखैल बनाओगे हराम जादे कमीने? लेकिन भैया ये कौन है तुम्हारे साथ? भैया बहना तुम ये समझो कि तुम्हारी भाभी है, मैं इनसे प्यार करता हूँ। भाभी? हाँ भाभी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सुंदरी मारिन हराम जादो को,
तुमसे और हमसे अलग करने को ही कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैंने एक हफ्ते को कहा था, एक हफ्ते के अंदर आ जाता। क्यों रे हरामजादे, मुझे अपनी रखैल बनाओगे कमीनो? हरामजादे, अरे तेरी देख सूरत जले ठाकुर को बुला। क्यों भी साले भाई साहब, चल चल पहले कपड़ा उतार, ये कपड़ा उतार पहले। भैया भैया, इन हरामजादों ने मुझे बहुत सताया है, इन कुत्तों के एक एक कपड़े उतारो। और तू हराम, चल तू भी कपड़ा उतार। उतार कपड़े हरामजादे, बहुत प्यार करने का शौक है। आ हरामजादो, कुत्तों, गरीबों की इज्जत नहीं जानते हो। आ तुम्हारी नास क्यों भैया? आप लोग ये बताइए, अभी दोनों जम रहे हैं ना? देखो इसकी इसकी शकल देखो, कितना जम रहा है, जैसे साला गधा की। भैया भैया बोल, अपना मरवाओ तुम लोग, बहुत मरवाए हो, अब तो न मरवाओ, सवेरे सवेरे कहे मरवा रहे हो सब लोग। अरे हरामजादे, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तूने जैसे मेरे साथ किया है, मैं तुझे उसी साथ। भैया ए हरामजादा ठाकुर प्रताप सिंह बहुत लड़कियों के साथ अत्याचार करता है, प्यार करने की कोशिश करता है, करता है। और भैया इस हरामजादे को मेरी आंखों के सामने से साड़ी पहनाकर, इस साड़ी पहनाकर इस गांव में हरामजादे को टहलाओ। अगर ये बात है तो एक साड़ी लेकर आओ बहन। लाला लाला राजेश, मोर सब लाई ले, मोर सब सामान लाई ले, लेकिन वही जान से न मारो, चाहे एक लाई ले। तुझे जान से न मारे ना, चल ये साड़ी। क्यों बे, इधर उधर क्या देख रहा है? ये साड़ी पहन के दुलारा बुआ चल बन। लाला ये मोर जगीर, ये सब मेरे गुलाम है, इनके सामने इतना बड़ा अपमान मेरा क्यों करते हो लाला राजेश? तू साले इतना इज्जतदार है। एक पहन लो तुम मुख, फिर दाई दे हो कि देवाई दे हो।
क्या लेगा? माफी। माफी? हाँ चल, तुझे पहले हम तुझे माफी दिला देंगे। देवाई हम ना? हाँ हाँ चल पहले। जाऊं? धोती इसी तरह पहना जाता है? लाला राजेश, मोर बाबा, मोरे बाबा के बप्पा, मोर बप्पा सब हिंदा पहित रहे। उन्हें का देख के तुम्हें तो कहा धोती पहन ले। उस तरह नहीं, जैसे तेरे घर पे तेरी माँ और तेरी बहन पहनती है ना धोती, उस तरह पहन। लाला, ना मेरे कोई बहन है, और जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, इसलिए मैं नहीं जानता कि कैसे कैसे पहना जाता है। मैं बताऊं, देख मेरी भाभी कैसे साड़ी पहन रखी है, ऐसे देखकर पहन पहन ले। ठीक है। अरे आप लोग रात भर बैठे थे, जैसे हमने इन्हें साड़ी पहना दिया, कम से कम इसी खुशी में एक बार जोरदार ताली तो बजा दो, एक बार जोरदार ताली। क्यों बे, तुझको अलग से कोई कहेगा क्या? अभी तो सुन रहा था वो जो बोल रहा है। अरे यार, मोरे मेहरारो तो रहने की देख के मैं पहन ले इतना। क्या आंख से अंधा है तुझे? देख ये लमकी वो भेज दे, पहना दे। अरे रश्मि डुबल बा, अरे रश्मि डुबल बा, अरे बड़ी जोरदार बा, रश्मि डुबल बा, अरे बड़ी जोरदार बा। जादे, ए करिंदा इधर आओ। ए बहन, उसको क्या करेगा?
अब तूने साड़ी पहन लिया ना, ए तूने साड़ी पहन लिया। हराम जादे, मैं तुझे साड़ी पहनने को बोला, उतारने को नहीं, किसकी मर्जी से उतार रही। हेलो अगर श्रीमान, हमारे घर मालिक साहब की तरफ से 11 रुपया रहा, पार्टी स्वागत करते हैं। उनका कहना है कि लास्ट में एक एक दो दो सहरा हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। मुढ़क घूंघट पे आ, हाँ चल कोई मुजरा सुना। लाला राजेश भैया बुला रहा है। लाला राजेश, अरे बोलेगा कुछ? या मोर सब हवेली बनी है। अच्छा, या मोर ट्रैक्टर चलाता है, 1,000-5,000 एकड़ जमीन ही, सब लाई ले लाला, सब लाई ले, मौका केवल 500 रुपया दे दियो। 500 रुपया? 500 रुपया दे दियो। हेलो, एक आवश्यक सूचना, रवि रवि और रामचंद जहाँ कहीं भी हो जल्द स्टेज पे आने का कृपया करें। 500 रुपया दे दियो लाला, मैं जाई हूँ मैलाहाबाद। मैलाहाबाद? मैलाहाबाद? अरे हराम जादे इलाहाबाद संगम, संगम में जाई हूँ नहाई के टीकी मुंदरी दे के। क्या दाई के? टीकी मुंदरी दाई के। टीकी मुंदरी दाई के? इस हराम जाने को बोलने के फिर क्या करेगा? टीका मुंदरा दाई के। हाँ। अब बाजार से जाई हाँ एते ते मजीरा लाई के। अच्छा। मजीरा लाई के एते ते ते ते। हाँ तो? एते ते मजीरा लाई के। और मंदिर का जौन वो गुरगुज रहा है, गुरगुज ऊपर वाले गुरगुज बना रहा। हाँ तो वही गुरगुज में बैठ के करे लगियो, करे लगियो, करे क्या करेगा रे, क्या करेगा? भजन, भजन, भजन करी हम ताकि मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए, अब मुका भगवान दई दे। क्या? माफी। तो तुझे भजन आती है, चल भजन सुना, सुना भजन सुना। अगर मैं सुनाए दे हम भजन तो तुझे छोड़ दिया जाएगा। मुका तू भाग दे। चल भजन सुना। सीमा बोल। अरे याद करो उस बगिया को। क्या? क्या? याद करो जिस बगिया को, उस बगिया में मैंने रेला था। अरे तुम सुख सुख कर लो मैं भुट भुट के पे। धरो क्यूरे कुकर्मी कहीं के साले ये भाग। हराम दादे ये भजन सुना रहा है। हाँ चल कोई भक्ति सुना अच्छी सी। लाला सुना भक्ति। लाला मारे खुद जहां डर है हुआ मानो, अगर बाहर मानियो तो बोलना। भक्ति सुना सब ढके सब ढको और ढक।
ये भागती है। हेलो फूलचंद ग्राम दारूपुर निवासी और कमल ग्राम दारूपुर निवासी दोनों साहिबानों की तरफ से मालिक साहब को 101 रुपया, कमल की तरफ से और 100 रुपया, 101 रुपया फूलचंद की तरफ से व्यवहार आ रहा है और 10-10 रुपया इनाम आ रहा है। पार्टी स्वागत करती है, धन्यवाद। आरामदादे कुत्ते, तूने बहुत सताया है, अब तुझे आरामदादे को नहीं छोड़। करके जाएगा, भागेगा हराम ज्यादा कुत्ते, आज तुझे भागने की जमीन कम पड़ जाएगी। दोस्तों अगर हमारे पार्टी के प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दो दोस्तों, यही से पार्टी की तमाशा खत्म होता है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। बोलो सरस्वती मैया की जय। हे महावीर करो कल्याण,